नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल वेब टीवी। मैं कविता सिंह। और मैं दामिनी कपूर। और मैं राहुल सुंदन। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। सीएम जयराम ठाकुर ने कांगड़ा में किए करोड़ों के उद्घाटन व शिलान्यास। ट्रैफिक में जाम हुई धर्मशाला, सीएम के कार्यक्रमों में दिखा अव्यवस्था का आलम। डॉक्टर श्रीकांत बाल्दी ने संभाला कार्यभार, शुभकामनाएं दे विदा हुए बीके अग्रवाल। मंडी के पद्दर में गरीब विधायकों के लिए चंदा जुटाया, फिर करेंगे सूट बूट का इंतजाम। 5 सितंबर को 8:42 पर शुरू होगा शाही नहाण। और हमीरपुर में नॉर्थ जोन फुटबॉल चैंपियनशिप के दूसरे दिन पंजाब ने 3-0 से हराई दिल्ली। अरब समाचार विस्तार से। विधानसभा का सत्र समाप्त होते ही मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सोमवार को कांगड़ा जिला के प्रवास पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कई कार्यों के उद्घाटन और शिलान्यास किए। मुख्यमंत्री ने धर्मशाला में 3.25 करोड़ की लागत से बनने वाले पशुपालन भवन का शिलान्यास किया। कांगड़ा विधानसभा क्षेत्र में भी उन्होंने 20 करोड़ की विकास योजनाओं को धन उपलब्ध करवाया। यहां कांगड़ा पुलिस थाना की आधारशिला रखने के बाद सीएम ने कांगड़ा बाईपास पर अग्निशमन केंद्र के भवन का भी उद्घाटन किया। इससे पूर्व सुबह गग्गल पहुंचे सीएम का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के धर्मशाला दौरे में सभी इंतजाम ट्रैफिक जाम में फंसकर रह गए। धर्मशाला शहर में सोमवार को आलम यह रहा कि मंत्री, विधायक, पुलिस व कई बड़े अधिकारी खुद ही कानून तोड़ते हुए नजर आए। इस कारण आम लोगों को लंबे ट्रैफिक जाम से जूझना पड़ा। सबसे पहले कोतवाली बाजार में कला संग्रहालय का उद्घाटन करते हुए ट्रैफिक पूरी तरह से जाम हो गया। इसके बाद पशुपालन विभाग के कार्यक्रम के दौरान अस्पताल, पुलिस चौक और न्यायालय चौक पूरी तरह से जाम हो गए। वहीं केसीसीबी के कार्यक्रम में कचहरी चौक में लंबा ट्रैफिक जाम लग गया। धर्मशाला कॉलेज के ऑडिटोरियम में कार्यक्रम के दौरान तो लोगों का पैदल चलना भी मुश्किल हो गया था। उधर कांगड़ा के बाईपास में जब मुख्यमंत्री अग्निशमन भवन के लोकार्पण को पहुंचे तो उनका काफिला वहां खड़े बेतरतीब वाहनों में करीब घंटा भर फंसा रहा। यहां आने जाने वालों को खूब पसीने छूटे। प्रदेश में सरकार द्वारा स्वच्छ प्रशासन देना और राज्य में बड़े पैमाने पर निवेश लाना प्रदेश के नए मुख्य सचिव की प्राथमिकता होगी। डॉक्टर श्रीकांत बाल्दी ने सोमवार को मुख्य सचिव के रूप में अपना कार्यभार संभाल लिया। इस मौके पर उन्होंने सरकार का आभार जताया और कहा कि सरकार ने उन पर विश्वास जताते हुए जो जिम्मेदारी दी है वे उसे बखूबी निभाएंगे। उन्होंने निवर्तमान मुख्य सचिव वीके अग्रवाल का भी आभार जताया। वहीं निवर्तमान मुख्य सचिव वीके अग्रवाल ने मुख्य सचिव का चार्ज छोड़ते हुए कहा कि डॉक्टर श्रीकांत बाल्दी का हिमाचल में लंबा अनुभव रहा है और उनके अनुभव का फायदा हिमाचल को जरूर मिलेगा। प्रदेश सरकार द्वारा विधायक, मंत्रियों, विधानसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के मासिक भत्तों के साथ साथ यात्रा भत्ते में की गई बढ़ोतरी का विरोध प्रदेश भर में एक आंदोलन का रूप ले रहा है। मंडी जिला के सुंदरनगर और नेरचौक में हुए विरोध प्रदर्शन के बाद सोमवार को बड़का भाव टीम ने कुन्नू, नाला और पद्दर बाजार में भी दुकानों में जाकर व्यापारियों से 1-1 रुपए चंदा एकत्र किया। समाज सेवी रुपेश शर्मा ने व्यंग्य कसते हुए कहा कि माननीयों की माली हालत पतली हो गई है, जिनके लिए बेरोजगार युवा चंदा एकत्र कर रहे हैं। मेरा तीसरा दिन है, आज तीसरे दिन से लगातार सुंदरनगर भीख मांगी, नेरचौक में भीख मांगी, आज कुन्नू में पहुंचा हूं भीख मांगने के लिए कि इनका गुजारा हो जाए। आगे आने वाले समय में इनके लिए फटे हुए कपड़े और पुराने कपड़े उससे इकट्ठे करूंगा, लोगों से मांगूंगा कि यहाँ पहले आप लोगों ने इनको वोट दिए हैं, अब आप इन लोगों को नोट दें। सुनो सरकार, यह नेरवा का नागरिक अस्पताल है। कई सरकारें आई और चली गईं, सरकारों ने शिलान्यास पट्टिकाएं टांगने से ज्यादा कुछ नहीं किया। कई सालों से एक भी रेगुलर डॉक्टर यहां नहीं भेजा। खंड चिकित्सा अधिकारी का पद भी 3.5 साल से खाली है। छोटी छोटी बीमारियों के लिए भी शिमला का रुख करना पड़ता है। अस्पताल में ना तो अल्ट्रासाउंड की सुविधा है और ना ही एक्सरे का प्रावधान। 2 दर्जन पंचायतों के लोगों को स्वास्थ्य सुविधा देने वाले इस हॉस्पिटल की हालात दिनों दिन बिगड़ते जा रहे हैं। इन मरीजों की व्यथा सुनिए। यह ग्राम पंचायत नेरवा के प्रधान आत्मा राम हैं। कहते हैं वे लिख लिख कर थक गए
मगर सरकार ने डॉक्टर नहीं भेजा। हमारा कहना है, हमने कई बारी सरकार व विभाग को लिख दिया है कि यहाँ के जो भी पारा हॉस्पिटल है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, इसमें जो है हमारे ये नियमित डॉक्टर कोई भी नहीं है। जो आपने दो कॉन्ट्रैक्ट डॉक्टर की बात की है, उसकी भी हमने पहले मांग की कि यहाँ कोई सीनियर डॉक्टर हो और जो उपचार करे। और जो बीएमओ है वो 2016 से लेकर आज तक नहीं है, उसकी भी हमने मांग की कि भी यहाँ जो बीएमओ है वो नियमित रूप से बैठे। व्यापार मंडल के अध्यक्ष राजीव भिखटा की भी यही व्यथा है। वे कहते हैं जनमंच से मुद्दा उठा चुके हैं। यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जो जूनियर डॉक्टर भेजे जाते हैं, सीनियर कोई नहीं है, लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। बल्कि व्यापार मंडल ने ई समाधान में भी कंप्लेंट डाली है, तो उसका भी कोई जवाब नहीं है आया। और जनमंच के थ्रू भी उठाई थी मांग कि यहाँ सीनियर डॉक्टर भेजा जाए। दिव्य हिमाचल टीवी पर सुनो सरकार में, आप देखते रहिए ज्वलंत मुद्दों पर आम जनता की राय। हिमाचल के अग्रणी मीडिया ग्रुप दिव्य हिमाचल के सौजन्य से डांस हिमाचल डांस सीजन 7 की प्रतियोगिता में चाय नगरी के डांसरों ने ऐसा धमाल मचाया कि केएलबी डीएवी कन्या महाविद्यालय के ऑडिटोरियम में बैठा हर एक शख्स इनकी कला का मुरीद हो गया। सोमवार सुबह से ही केएलबी कॉलेज के प्रांगण में प्रतियोगिता में भाग लेने वाले डांस कला प्रेमियों की अच्छी खासी भीड़ जुट गई थी। पंजीकरण की औपचारिकताएं पूरी होने के बाद डांस हिमाचल डांस कंपटीशन का आगाज हुआ। निर्णायक मंडल में जाने माने कोरियोग्राफर नवीन, संगीत गुरु प्रवीण शर्मा तथा नीतीश कुमार ने सभी डांसरों के हुनर की परख की। इस समारोह में केएलबी डीएवी कन्या महाविद्यालय के निदेशक डॉक्टर एनडी शर्मा ने मुख्य अतिथि के तौर पर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। वहीं सेलिब्रिटी स्टार व मिस हिमाचल 2016 की फर्स्ट रनर अप सुप्रीत विशेष अतिथि के तौर पर इस समारोह में पहुंची थी। इनके साथ साथ कपिला नर्सिंग होम के जाने माने चिकित्सक सुरेश कपिला और एन इंस्टीट्यूट के नीलम कालिया व ऋषि लांबा भी समारोह में उपस्थित रहे। मणिमहेश यात्रा के तहत राधाअष्टमी का शाही नहान 5 सितंबर को 8:42 पर आरंभ होगा और 6 सितंबर 8:41 तक चलेगा। हालांकि 5 सितंबर को शिव चेलों द्वारा डल तोड़ने की रस्म निभाने के बाद ही यात्री डल झील में स्नान आरंभ कर देते हैं, लेकिन असल में राधाअष्टमी का स्नान 5 सितंबर को 8:45 आरंभ होगा। प्रसिद्ध ज्योतिष पंडित ईश्वर दत्त शर्मा ने कहा कि डल तोड़ने की रस्म शिव चेले सप्तमी यानी 5 सितंबर को 1 से 3 बजे के बीच निभाएंगे। उन्होंने कहा कि इस दिन स्नान करने से पापों व कष्टों से भी मुक्ति मिलती है। और अब खेल समाचार। हमीरपुर में आयोजित की जा रही नॉर्थ जोन सब जूनियर फुटबॉल चैंपियनशिप में मुकाबलों का दौर जारी है। प्रतियोगिता के दूसरे दिन पंजाब ने दिल्ली को 3-0 से हराकर धमाकेदार जीत दर्ज की। पंजाब के लिए थांग जलेन टाउथांग ने हैट्रिक लगाई, जिससे दिल्ली को करारी हार झेलनी पड़ी। वहीं उत्तराखंड टीम को बिना खेले ही 2 अंक मिल गए हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर की टीम प्रतियोगिता में भाग लेने नहीं आई है।
प्रदेश फुटबॉल संघ के मीडिया कोऑर्डिनेटर सत्यदेव शर्मा ने बताया कि चैंपियनशिप में 3 सितंबर को हिमाचल का सामना चंडीगढ़ की टीम से होगा। और अब चलते चलते सुंदरनगर में नौकरी का झांसा देकर महिला से बलात्कार, आरोपी उपप्रधान फरार। पुलिस के पास पहुंची कर्मचारी महासंघ की कुर्सी की जंग। जोपटा गुट ने विनोद गुट के खिलाफ दर्ज करवाई FIR। इस बार भी मेरिट के आधार पर होंगे छात्र संघ के चुनाव। HPU प्रशासन ने जारी की अधिसूचना। और शहरों में 1000 व गांवों में 800 लोगों पर तैनात होगी एक आशा वर्कर। हिमाचली तड़का में आइए देखते हैं लीला ठाकुर की ये सराजी नाटी। पढ़ते रहिए दिव्य हिमाचल और देखते रहिए दिव्य हिमाचल वेब टीवी।